कहते हैं जब मेहनत रंग लाती है तो बड़े से बड़ा काम बन जाता है और बुलंदियां आसमान छू जाती है। आज यही कर दिखाया गुरुग्राम के निखवीर ने। आज निखवीर का सॉन्ग धूम मचाते हुए सॉन्ग रिलीज हुआ। आप एक किसान हैं और आपका बच्चा सिंगर, क्या कुछ दिमाग में आया था पहली बार उसने कहा कि मुझे गाना गाना पसंद है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसी इसकी फीलिंग थी ना, मेरे को लगता अच्छा लगता था। जैसे हर बार ना सॉन्ग के बारे में सुनना, तो इसको बहुत अच्छा लगता था। ये खुद गाता था अच्छे, जैसे भी हम देखते थे बार बार, तो बहुत अच्छे तरीके से ये गाता था घर में। तो हमें लगा कि ये ना कुछ आगे कुछ करेगा, तो इसलिए हमने ना इसको पूरा सपोर्ट किया है कि भाई आप जाओ आगे, जहाँ भी इसको जाना था हमें इसको पूरा सपोर्ट किया। अगर बात करें इंडिया की, तो कम्युनिटी ऐसी है जब भी कोई ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो जो लोग होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते, क्या कुछ आपको सुनना पड़ा इस बीच? इस बीच में नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सपोर्ट तो हमें सबका सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम क्यों कहें किसी ने नहीं किया, सब सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा बता रहे हैं, कि भी सॉन्ग अच्छा आए, काफ़ी अच्छा सॉन्ग आएगा और इसको ना लोग बहुत लाइक करेंगे, हमें होप है बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में कितना सपोर्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा? बहुत आगे तक जाएगा, हमें ऐसी उम्मीद है कि बहुत आगे तक जाएगा। हमने ये सोचा भी नहीं है कि कितना आगे जाएगा ये। आपने गाना लॉन्च किया है, क्या है गाना और किस चीज़ पर आधारित है? गाने का नाम है चंतो सोना, जो कि टी सीरीज के चैनल से आ रहा है और कल लॉन्च हो रहा है 6 तारीख को, और पंजाबी सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। मतलब एक लड़की की फीलिंग्स हैं उस सॉन्ग्स में, तो कल लॉन्च हो रहा है वो। और वीडियो करी अपने चंडीगढ़ से करी हमने, एडमर्स पाजी हैं डायरेक्टर है जो, और म्यूज़िक जो करा है वो स्टूडियो नशा से करा है, और जिसके बोल है जिसने लिखे हैं उसका नाम धर्मवीर पंगू है, वो भी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो अच्छा एक ट्रैक है, आप लोगों को सबको पसंद आएगा, आई होप कि सबको पसंद आए। बाकी हरियाणा के आप रहने वाले हैं और पंजाबी गाना बनाए, क्या सोच थी इसके पीछे आपकी? बस जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे एक पंजाबी टच आ जाता है। मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे एक पंजाबी टच आ जाता है। तो स्टार्टिंग से ही बचपन से पंजाबी सॉन्ग सुनते आए हैं हम, तो उसमें क्या है कि सुनते सुनते बस वो आदत हैबिट ऐसी हो गई है कि वो लर्निंग एक आ जाती है, पंजाबी टोन आ जाती है, कुछ रहने के वहाँ पे मतलब रीजन पड़ जाता है, पंजाब टच आ जाता है। तो इस वजह से भी और स्टार्टिंग से शौक था कि पंजाब इंडस्ट्री में ही जाना है। तो गाने में किस तरह की भूमिका भाई? गाने में मैं एक सिंगर हूँ, मैंने गाना गाया है और उसमें ही मैं ही रोल कर रहा हूँ। तो गाना किस चीज़ पर आ रही? गाना जो है वो एक मतलब फीलिंग्स है, लड़की अपनी फीलिंग्स बता रही है कि भाई एक जो है लड़का है, मतलब उसकी वो सपना ले रही है लड़की कि भाई जो उसकी मतलब शादी होए वो एक ऐसे मतलब चांद जो उसको मतलब शादी करने लड़का आए वो चांद से भी सुंदर हो, ऐसी उसकी फीलिंग्स हैं वो बता रही है गाने में। इसके बोल ऐसे हैं, हो चन्न तो भी सोना जड़ाया होगा वे हूँ मैनू परियां दी राह जिक मारी नू। तो मतलब वो एक अपने आप को फीलिंग बता रही है कि भाई मेरा ऐसा आए। पंजाबी गाने बॉलीवुड में भी आजकल काफ़ी आने लगे हैं, बिल्कुल पंजाबी एक ऐसी गाने हैं जो बॉलीवुड तक हो गए तो पहुँचे हैं, बिल्कुल। तो क्या पंजाबी सॉन्ग निकालने के पीछे वो भी आपकी सोच थी? हाँ, मोस्टली क्या है कि पंजाबी म्यूज़िक एक ऐसा म्यूज़िक है, अगर किसी को मतलब वो समझ नहीं आ रहा है बट उसके म्यूज़िक पे सब एंजॉय करते हैं, उसको सब पसंद करते हैं, सब लाइक करते हैं उसको। तो बॉलीवुड में भी ये बहुत आगे जा रहा है, मतलब पंजाब इंडस्ट्री के बहुत मोस्टली सिंगर सब ऐसे हैं जो बॉलीवुड में चले गए हैं और जो जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मतलब ये स्कोप जो है इसका पंजाब इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला और बढ़ भी रहा है, तो देखते हैं आगे क्या रहेगा। अगर हमें भी चांस मिला तो हम भी जरूर बॉलीवुड में जाएंगे। क्या इससे पहले आपने कभी गाना निकाला? ये मेरा डेब्यू सॉन्ग है, ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है। हाँ जी, कहाँ से आपने कोचिंग ली, कब से आप सीख रहे हैं, कब से शौक है आपको? शौक तो बचपन से है जी, बचपन से ही गा रहे हैं, बचपन से ही कॉलेज में स्कूल्स में गा रहे हैं, शोज वगैरह करते हैं, कंपनीज में बुलाते हैं जैसे, तो बचपन से ही शौक है, तो अपना चल रहा है बस। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जब भी कोई बच्चा इस फील्ड में जाना चाहता है तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल। कितना सपोर्ट मिला आपको पेरेंट्स से? मेरे पेरेंट्स से मुझे फुल सपोर्ट मिला है, मतलब कभी भी उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि आप मत करो इस चीज़ को, आप यहाँ पे मत जाओ, सक्सेस नहीं होगे या ये है, उन्होंने हमेशा मेरे को फोर्स ही किया है बल्कि कि आप करो, उन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया है कि नहीं आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स के लिए?
मैं कहूंगा कि ऐसे पेरेंट्स सबको मिले। क्या सपना है आपका, किस डायरेक्टर से काम करना चाहते हैं, कौन से सिंगर के साथ आप भूमिका निभाना चाहते हैं? मेरे को डायरेक्टर तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, सारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सब मेहनत करते हैं, सब अपना काम करते हैं, सब अपने काम दिखाते हैं। तो देखो अब किसके साथ, मतलब आगे यही चांस रहेगा कि सबके साथ काम करें हम, कोई भी ऐसा नहीं है। एक्टर की बात करें तो अपने गाने में कौन से एक्टर को देखना चाहते हैं? मेरे गाने में अब सारी फेमस एक्टर है, हर कोई ये चाहता है कि मेरे गाने में हर कोई एक्टर आए, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, या फिर कोई भी हो। आपकी पहली पसंद? मेरी पहली पसंद रहेगी सलमान खान। तो क्या लगता है कि गाना लोगों को पसंद आएगा? गाना, गाने में हमने बहुत मेहनत करी है, अब मेरे ख्याल से तो गाना सबको बहुत पसंद आना चाहिए। बाकी पब्लिक बताएगी कैसा प्यार देती है पब्लिक गाने को, क्या सपोर्ट करती है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ बोल गाने के। गाना ऐसे स्टार्ट है, हो खड़ खड़ होवे जी नू जग वेखदा, दुनिया ते होवे ना कोई ओदे मेचदा, हुन शिपत्ते नू ना लाउंदा होवे हत्यो, हुन वजदे सलूट सरदारी नू, चन्न तो भी सोना जेड़ा आऊगा वे हुन मैनू परियां दी राह जिक मारी नू। हम सब की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।